Hello and welcome to Bollywood Wala. I am Sonup. Today is the 1st of December, the day and date when Padmavati should have released. Unfortunately, the release date of Padmavati has been postponed aur uski jagah le li hai Firangi starring Kapil Sharma. मैं हूँ यहाँ पर गेटी गैलेक्सी पर द थ्री वाइस मैन के साथ. आइए उनसे पूछते हैं उनको ये फिल्म और कपिल शर्मा का परफॉर्मेंस कितना अच्छा लगा. बॉबी जी वेलकम बैक, नाइस टू सी यू. लालू जी वेलकम बैक फ्रॉम पेरिस एंड विजय जी वेलकम बैक. यस और यूजुअल रिव्यूअर फ्रॉम द थ्री वाइस मैन, द थ्री वाइस मैन इज हियर. बॉबी जी आपसे चालू करते हैं. कपिल शर्मा और फिरंगी कितना पसंद आया आपको? फिरंगी मुझे अच्छी लगी पिक्चर. इट्स अ ब्यूटीफुली शॉट मूवी. बहुत अच्छी तरह शूट की फिल्म. हाँ, 1920 की फिल्म लगती है देखने से. ओके, मतलब अच्छी फिल्म है. ओके, साफ सुथरी फिल्म, गुड ह्यूमर. एंटायर फैमिली कैन गो एंड वॉच दिस मूवी. लेकिन आप थोड़ा मतलब वो यूजुअल एनर्जी नहीं दिख रहे. तो नहीं मतलब ये मतलब मैं मुझे जो मैंने जब प्रोमो देखा तो जैसी फिल्म प्रोमो में दिख रही थी वैसी फिल्म है. अच्छा, मतलब इट्स अ गुड एंटरटेनर. लेकिन आप हैप्पी है? यू आर हैप्पी. ओके लालू जी, पेरिस से आए, फिरंगी बेब्स को देखे आए, इंडियन फिरंगी कैसा लगा? इंडियन फिरंगी, द बेस्ट पार्ट ऑफ द पिक्चर फिरंगी इज द रोमांस बिटवीन द कपल, यू नो, अंडरस्टैंड. बगैर, हाँ, बगैर हाथ लगाए जो उनका रोमांस दिखाया गया है, लाइक यू नो उसका आई मीन लज्जाना, शर्माना, मुस्कुराना, यू नो, ओल्ड स्कूल रोमांस बहुत पसंद था. इशिता, हाँ, या उसका लज्जाना, शर्माना, मुस्कुराना बड़ा अच्छा लगता है. यू नो, एक बार सिर्फ उसको यू नो लाइक सोप, साबुन लेके उस थोड़ा सा यू नो पानी 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 डाला गया और उसके गाल पे ऐसे लगा लिया. तो कहती है, तो कहती है कि भाई शादी से पहले हाथ नहीं लगाने. लेकिन लिप लॉक मिस नहीं किया लालू जी? ऑफ कोर्स नाउ यू नो द सब्जेक्ट इज दैट, यू नो सब्जेक्ट इज दैट. लेकिन लेकिन क्या है कि यू नो लाइक बगैर हाथ लगाए जो रोमांस, हाँ, उसका लज्जाना, शर्माना बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा लगता है वो, यू नो, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. विजय जी आपको मूवी कैसे लगी? 1930 की स्टोरी है. हाँ, वैसे ही फिल्म आया, वैसे ही सब कुछ है. ओके, ऐसी कहानी बहुत आ चुकी है. ओके, अंग्रेज यहाँ आए थे, हाँ, गांव में कब्जा करना है, बस वही कहानी है. ओके, ओके. कपिल शर्मा एज ए कॉमेडी किंग टीवी में अच्छा लगता है. ओके, एक पिक्चर कर दी ठीक है. हाँ, सेकंड पिक्चर हमको वही दिमाग में आ रहा है कभी ये हंसेगा, कॉमेडी करेगा. ओके, तो एक्टर में एक्टर के लिए नहीं जम रहा है वो कपिल शर्मा. तो आप एक्सपेक्ट करके आए थे कॉमेडी ज्यादा दिखेंगे, लेकिन वो अगर ठीक है, अगर उन्हें कुछ चेंज गया अपना ट्रैक, तो एक्टर भी तो लगना चाहिए ना. हमारा एक्टर नहीं लग रहे, एक साधारण इंसान लग रहा है. ओके, तो वो वहाँ पे आपको थोड़ी एवरेज लगी? एवरेज लगी. ओके, कॉमेडी है ही नहीं कपिल शर्मा, होके भी कॉमेडी नहीं फिल्म में. ओके, ओके, सो दैट वाज अ डिसअपॉइंटमेंट. हां, वो थोड़ा गड़बड़ हो गया. हां, ओके. बॉबी जी कपिल की बात करें तो उनका परफॉर्मेंस एज एन एक्टर कैसे लगा? कपिल शर्मा इज नॉट अ टिपिकल हीरो लाइक अक्षय कुमार, सलमान खान और ऋतिक रोशन, पर फिर भी उन्होंने काम अच्छा ही किया है. मतलब सबको पता है वो टीवी के स्टार है. ओके, और टीवी के तो नंबर वन है, इज अमिताभ बच्चन ऑफ टीवी. करेक्ट, करेक्ट. सो और ये फिल्म में उतनी कॉमेडी नहीं की जितनी वो कॉमेडी करते. उन्होंने कॉमेडी पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया. वो निराश हुए उससे? नहीं, उससे निराश नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दिया. सब्जेक्ट में कॉमेडी जरूरत नहीं थी उतनी. ह्यूमर है लेकिन कुछ कुछ जगह पर है. ज्यादा फिल्म स्टोरी पे और सीरियस पे, सीरियसनेस पिक्चर है. बट यू आर हैप्पी विद इट? आई लाइक द मूवी. ओके, लालू जी कपिल का परफॉर्मेंस? यस, कपिल का परफॉर्मेंस अच्छा है. लेकिन क्या है ना, यू नो लाइक एक तो उन्होंने पिक्चर शुरू कर दी और टाइटल्स उसके साथ साथ दे दिए. ओके, यू नो दैट इज आवर यू नो लाइक एक मजा नहीं आता उस बात में. अच्छा, फिर जो सबटाइटल्स भी जो उन्होंने दी हैं, तो इतने छोटे अक्षरों में दी हैं कि यू नो पढ़ना मुश्किल हो जाता है. ओके, और कितनी जगह फिर अंग्रेजी में कुछ डायलॉग्स आते हैं जो वहाँ पर सबटाइटल्स आनी चाहिए थी. यू नो देर आर माइनस पॉइंट्स आल्सो इन द पिक्चर. एंड द बिगेस्ट कल्प्रेट ऑफ द पिक्चर इज द लेंथ ऑफ द पिक्चर विच इज अराउंड 2 hours and 45 minutes. द पिक्चर नीड्स टू बी एडिटेड ड्रास्टिकली. आपको भी लगता है लेंथ कुछ ज्यादा ही है? थोड़ा मुझे उतना नहीं लगा. ठीक, थोड़ा. बॉबी जे इज वेरी हैप्पी. एक्चुअली आई लाइक द मूवी बिकॉज़ आप फिल्म देखोगे आपको 1920 का ही फील आएगा. चलिए, बॉबी जे इज वेरी हैप्पी विद दिस पीरियड फिल्म. आपको लगता है लेंथ कम होना चाहिए? विजय जी आपको कुछ लगता है कि लेंथ के बारे में? क्यों, पिक्चर बड़ी लग रही है इसलिए पिक्चर स्लो है. अच्छा, साफ सुथरी फिल्म है, फैमिली ड्रामा है. लेकिन आज के जमाने से कोई देखेगा नहीं ना फिल्म. लोगों को कपिल शर्मा कॉमेडी,
ऐसे होना चाहिए तो थोड़ा बाकी फैमिली ड्रामा है, साफ सुथरी फिल्म है, अच्छी पिक्चर है, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन कपिल शर्मा हमको चाहिए कॉमेडी। जाते जाते ये बताइए, पद्मावती आज रिलीज होने वाली थी लेकिन हो नहीं रही है, तो क्या कपिल शर्मा को उससे कुछ फायदा होगा इस फिल्म को ये स्लॉट में आने से? नहीं, इससे फायदा की दो पिक्चर रिलीज हुई है, तेरा इंतजार और ये कपिल शर्मा की, दोनों की ओपनिंग वेरी वीक, दोनों की ओपनिंग बहुत वीक है। अगर पद्मावती होती तो आज धमाका कर दी थी। लालू जी, व्हाट डू यू थिंक? या डेफिनेटली, आई मीन वी वर इन द मूड यू नो ऑफ सीइंग पद्मावती, डेफिनेटली फर्स्ट डिसंबर यू नो लाइक आई हैव गॉट माय रिलेटिव्स फ्रॉम लंदन यू नो एंड आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि वो लोग आएंगे और पहली तारीख को इवन माय सन इन लॉ वाज टेलिंग मी यस्टरडे व्हेन आई आस्क्ड हिम, मैंने पूछा कि भाई ये पिक्चर देखने चलोगे, बोलते हैं नहीं अंकल मैं ये पिक्चर आपके साथ नहीं देखूंगा, लेकिन अगर पद्मावती होती तो मैं 100% 200% 300% 500% आपके साथ देखता, भले वो सुबह का 9 बजे का शो क्यों ना होता, यू नो, बट देन ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली। बॉबी जी, आपको भी लगता है क्या? आपको लगता पद्मावती होती तो बात कुछ और ही होती, एकदम धूम मच जाती। पर फिरंगी और तेरा इंतजार रिलीज हुई है, फिरंगी में तो फिर भी ऑडियंस है, लेकिन तेरा इंतजार को ऑडियंस का इंतजार ही रहेगा, मतलब बहुत दूर दूर तक, मतलब देयर हार्डली एनी ऑडियंस इन द थिएटर। ओह गॉड, ओके बॉब, लालू जी आप नहीं गए, सनी लियोन इंतजार कर रही है। सनी लियोन साहब अभी यू नो एक्चुअली द टाइम वाज आल्सो यू नो नॉट फेवरेबल यू नो, क्योंकि 2.5-3 घंटे की तो यही पिक्चर हो गई एंड देन एडजस्टमेंट ऑफ द दिस थिंग, लरेव में हम लोग गए तो वहां तो वो पिक्चर आ ही नहीं रही है। स्क्रीन्स का भी प्रॉब्लम है, ठीक है। जाते जाते ये बताइए कितने स्टार्स देंगे आप फिरंगी को? कपिल शर्मा टीवी के लिए 5 में से 5, मुझे पिक्चर के लिए क्योंकि आज पब्लिक ही नहीं, देखो ओपनिंग नहीं मिली उसको। कपिल शर्मा बड़े इतना बड़ा स्टार हो टीवी के लिए, करेक्ट, मगर एक्टर के लिए तो कुछ नहीं है, तो 5 में से 2। लालू जी व्हाट अबाउट यू? अभी साहब ये आउट ऑफ 5 यू नो 2-2.5। ऑलराइट बॉबी जी व्हाट अबाउट यू? फॉर द मूवी आउट ऑफ 5 3.5 एंड फॉर कपिल शर्मा I think 4 stars is good for a movie and for the television it's always 5 out of 5. Chaliye, thank you so much. There you heard it from the 3 wise men and their opinion and judgment about Firangi. Now you know what to do, whether to book your tickets or not. I would say book your tickets, go and watch Kapil Sharma, because our 3 wise men have rated it to be a decently good movie. That's it. That's all from me, Sonup. This is Sonup signing off from Bollywood Wala. But keep tuned to my channel for more news, debates, discussions, and updates from the world of Bollywood. Bye.